जब आप YouTube पर किसी के वीडियो का छोटा सा क्लिप्स कट कर अपने YouTube चैनल के वीडियो में अपलोड कर देते हो तो आपके YouTube चैनल के वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आने के चांस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि यदि आप उस तरीके को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूज करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल पर यदि आप किसी के यूट्यूब वीडियो का छोटा सा क्लिप्स यदि कट करते हो और अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो में अपलोड करोगे तो आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आने के चांस जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप डिस्क्लेमर का यूज कैसे कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, आज की इस वीडियो में आपको पूरा फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूं कि डिस्क्लेमर का यूज कैसे किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है और इसके करने से क्या फायदा होता है। दोस्तों हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों यदि आप हमारा नाम नहीं जानते तो जान लीजिए मेरा नाम है इंद्रेश और आप हमारा यूट्यूब चैनल आईपी टेक्निकल नॉलेज को देख रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको किसी भी प्रकार का नो ब्रेक नो फेक मिलेगा तो दोस्तों ओनली परफेक्ट। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है। डिस्क्लेमर का अर्थ होता है स्वीकरण। स्वीकरण का मतलब होकर स्वीकार कर लेना अपनी गलती को। जैसे कि आप अपने यूट्यूब के वीडियो में यदि किसी के यूट्यूब चैनल के छोटे से वीडियो का क्लिप्स कट करते हो और अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो में अपलोड कर देते हो तो आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। कभी कभी तो आपके यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक भी आ जाती है जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर किसी के वीडियो का छोटा सा क्लिप्स यदि कट करते हो तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या मेरे यूट्यूब चैनल पर दिक्कत भी आ सकती है या नहीं आ सकती है। आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आपका अपना डाउट क्लियर करने वाले हैं इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्क्लेमर का यूज ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं कि यदि वो अपने यूट्यूब चैनल कोई इलीगल वीडियो अपलोड करते हैं या किसी के द्वारा बनाई गई वीडियो डाउनलोड कर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं तो इसीलिए लोग ज्यादातर डिस्क्लेमर का यूज करते हैं, जिससे कि दोस्तों डिस्क्लेमर उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाती है। जैसे कि आप किसी के वीडियो को डाउनलोड कर अपने YouTube चैनल पर उनके वीडियो को अपलोड कर देते हो उस समय आपके YouTube चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आने के चांस जो है 99% बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप डिस्क्लेमर का यूज उस समय कर लेते हो तो आपके YouTube चैनल पर 10% बस कॉपीराइट क्लेम आने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि डिस्क्लेमर इतना फायदा करता है। जैसे आप अपने YouTube वीडियो में कोई भी छोटा सा क्लिप्स किसी के वीडियो को अपलोड करते हो और अपलोड करने के बाद आपको पता होता है कि मेरे YouTube चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और आपको यह भी पता होता है कि यदि मैं अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डिस्क्लेमर लगा लूंगा तो मेरे YouTube चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आने के चांस जो है बहुत ही ज्यादा लो हो जाएंगे। लेकिन तब भी आप अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर नहीं लगाते हो दोस्तों, आप लोग अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। उस समय आपको पता रहता है कि डिस्क्लेमर से हमारा बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होने के बाद बावजूद भी आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हो, उस समय आप अपने YouTube चैनल पर बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर लेते हो जिससे कि आपका YouTube चैनल कभी ना कभी डिलीट भी हो सकता है। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर बता दूं कि डिस्क्लेमर इसीलिए दिया जाता है कि जैसे डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि जैसे आप किसी का इलीगल वीडियो अपलोड करते हो या किसी के द्वारा बनाई गई वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हो और यदि आप डिस्क्लेमर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हो तो पहले ही मैंने बताया कि डिस्क्लेमर का अर्थ जो होता है अस्वीकरण। जैसे आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मैंने किसी के द्वारा बनाई गई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, उस समय आप स्वीकार कर लेते हो, डिस्क्लेमर इसीलिए उसका अर्थ ही होता है। दोस्तों कनेक्शन कितना अच्छा है। यदि आप भी हमारे जैसा डिस्क्लेमर बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ भाई आप एक इस पे एक वीडियो बनाओ कि जिससे कि मैं सीख सकूं कि हाँ ऐसा डिस्क्लेमर कैसे बनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप डिस्क्लेमर का यूज कैसे कर सकते हो कि जिससे आपका YouTube चैनल बच सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। हे गाइस, यदि आप सीखना चाहते हैं कि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर कैसे लगाया जाता है तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा YouTube डिस्क्लेमर। जैसे ही आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर आप YouTube डिस्क्लेमर जैसे ही सर्च करोगे, सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करते हुए करते 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 यहाँ पर नीचे चला आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर साइड में आपको देखिए, यहाँ पर देखिए आपको नीचे जैसे यहाँ यहाँ पर देखिए 653 वोट्स दिए हैं, 1 वोट्स दिए हैं और यहाँ पर देखिए 103 वोट्स दिए हैं और यहाँ पर देखिए 0 वोट्स दिए हैं। तो यहाँ पर आपको 0 वाले पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 0 के मोर पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ दूसरा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। क्यूरा पे आप यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पर आपको देखिए सभी डिस्क्लेमर लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर लिखा है कॉपीराइट डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 107 आप यहाँ से दिया है तो यहाँ से आपको यहाँ से साइड से
यहाँ से इतना तक पूरा यहाँ तक का बस कॉपी कर लेना। जैसे ही आप यहाँ से कॉपी कर ले तो कॉपी करने के बाद अभी यहाँ से आपको कट करना है। कट करने के बाद जैसे मैं आपके अपने यूट्यूब के वीडियो में कोई भी डिस्क्लेमर जैसे मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद अब मैं अपने यूट्यूब से ही आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको आई टी स्टूडियो से भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हो। जैसे मैं यहाँ से अब एडिट वाले सेक्शन से गया, यहाँ पर अब जैसे ही मैं अपने यूट्यूब चैनल में प्रवेश करूँगा, प्रवेश करने के बाद जैसे ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे मैंने ओपन कर लिया, आप जो कॉपी किया था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर लिख देना। जैसे कि यहाँ पर डिस्क्लेमर लिख कर आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर वगैरह लिख कर यहाँ पर आपको नीचे साइड में डिस्क्लेमर लगा कर यहाँ से सेव कर देना। जैसे ही आप सेव कर दोगे तो आपका जो है डिस्क्लेमर जो आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, जिससे कि आपका यूट्यूब चैनल बर्बाद होने से भी बच सकता है। दोस्तों कुछ करना नहीं है आपको, ना मेहनत करनी ना कुछ, आपको यूट्यूब खुद दे रहा है डिस्क्लेमर लगाने के लिए, तो कौन सी डरने की बात है भाई। सो ए गाइस, जो मैंने तरीका बताया यदि आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल कभी भी डिलीट नहीं हो सकता और आपका यूट्यूब चैनल बर्बाद होने से भी बच सकता है यदि आप उस डिस्क्लेमर का यूज कर सकते हो। दोस्तों जो मैंने तरीका बताया उस तरीके में आपको किसी भी प्रकार की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आप कॉपी पेस्ट कर अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हो तो आपका यूट्यूब चैनल जो है टर्मिनेट होने से बच भी सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपके भाई के यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।